हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 1350 करोड़ रुपए के गहनों के घर वापसी की खबर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खबर पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की वसूली से जुड़ी हुई है, जिससे सरकार की एजेंसी ईडी ने वसूली की है। और इन दोनों ने जो पैसा हथियाया ना देश का, वो आपका पैसा था। आपकी मेहनत की कमाई उड़ाने वालों की शामत आई है। सरकार देश का धन वापस लाई है। हांगकांग से 1350 करोड़ के हीरे जवाहरात की घर वापसी, देश को लूटने वालों से विदेश में जाकर वसूली। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 2340 किलोग्राम गहने इंडिया वापस। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भारतीय बैंकों से 12,500 करोड़ रुपए लेकर फरार हैं। अब ईडी ने बैंक घोटाले के दोनों आरोपियों के विदेश में जमा अवैध संपत्तियों को भी जब्त करना शुरू कर दिया है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 1350 करोड़ के हीरे जवाहरात हांगकांग से वापस लाए गए। ये हीरे जवाहरात 108 खेपों में भारत से विदेश भेजे गए थे। वापस लाए गए सामान में हीरे, मोती, चांदी के गहने शामिल हैं। इनका वजन 2340 किलोग्राम है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी घोटाले की रकम को हीरे जवाहरात की शक्ल में विदेश भेजते थे, जिससे किसी को शक न हो। ये गहने 2018 की शुरुआत में पहले भारत से दुबई और फिर दुबई से हांगकांग भेजे गए थे। 2018 में खुफिया जानकारी के आधार पर तत्कालीन निदेशक कर्नेल सिंह ने हांगकांग प्रशासन से बातचीत कर इन गहनों को सील करा दिया था। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से वसूली का माल 32 से ज्यादा बार विदेश जाकर लाया गया है। फिलहाल भारतीय बैंकों के 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला नीरव मोदी इस समय लंदन में है, जबकि मेहुल चौकसी बरमूडा की नागरिकता ले चुका है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कम्फर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।